खरगोन में पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लागू नहीं करने और खरगोन जिले के पटवारियों के संबंध में वेतनमान नहीं मिलने के कारण पटवारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पटवारियों की मांग है कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्य पटवारी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उन्हें तकनीकी रूप से व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं है, जिससे 300 पटवारी 10 कंप्यूटर पर आधारित रहकर काम को कर रहे हैं और इसके बाद भी पटवारियों के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, जबकि पटवारी एक पटवारी के पास अगर कंप्यूटर होता है तो वे कार्य को और बेहतर कर पाते। 300 पटवारियों को कंप्यूटर भी नहीं दिया जा रहा है, 10 कंप्यूटर के भरोसे पर पूरा विभाग संचालित हो रहा है। ऐसे में पटवारी इस काम को नहीं कर सकते हैं। पटवारियों का यह भी कहना है कि खरगोन गोगावा सनावद वेतन नहीं दिया गया है, समय मान वेतन मान की मांग की जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला खरगोन के तत्वाधान में हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये थी कि अभी मध्य प्रदेश में MP किसान योजना का काम चल रहा है, जिसमें किसानों को पेंशन दिया जाना है। प्रधानमंत्री महोदय की जो स्कीम जो चल रही है, उसमें क्या है कि अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर अनायास रूप से प्रेशर बनाया जा रहा है, SCN जारी किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। हमारे सीधी जिले में दो पटवारियों को निलंबित किया गया है, जिसके परिपालन में पूरे प्रदेश में ये विरोध हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के रूप में दर्ज कराया है। साथ ही हमारे ज़िले में हमारे पटवारियों का समयमान वेतनमान की फाइलें लगभग 2-3 वर्षों से लंबित रही है, जिसमें कई बार हमने माननीय उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है, स्मरण पत्र भी दिए हैं, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बात और, ये निलंबन की कार्रवाई क्यों की जा रही है? निलंबन की कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि अधिकारियों के द्वारा प्रेशर किया जा रहा है कि आप ये कार्य जल्द से जल्द करो, और शासन के द्वारा हमको कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। और हम लोग भी क्या है कि कैसे संसाधनों की मांग है आपकी? हमारे से कंप्यूटर हमको उपलब्ध कराए जाए या लैपटॉप उपलब्ध कराए जाए, जिस पर आसानी से कार्य किया जा सके। और अभी हम लोग काम करने की जो हमारी स्थिति है, पूरा जिला है और यहाँ पे 10 सेट लगे हुए हैं कंप्यूटर के, जिस पे काम कर रहे हैं, और लगभग जिले में 300-350 पटवारी हैं जिनको कार्य करना है ये। तो हम लोग भी जैसे किसी दुकान पर, किराए की दुकान पर जाते हैं, तो वो पूरे दिन तो हमको कंप्यूटर देता नहीं है। जितना समय मिलता है उतने समय में 10 से 12 फॉर्म हम दिन भर में उसमें डालते हैं, कागज़ भी कलेक्शन करते हैं और डालते भी हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना, आपके पास क्या कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है? नहीं, कंप्यूटर हम लोगों के पास नहीं है। संसाधनों का अभाव है, इस कारण से हमारा जो विरोध था, हम आज यहाँ पर ज्ञापन के रूप में हमने दर्ज कराया है।